हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है सो so, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग पावर जनरेशन उनके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे सोले so, स्टार्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन था वॉट इज़ मोटर पर इस वीडियो के कंटिन्यूटी के लिए मैंने उसे लास्ट में शिफ्ट किया है सो so, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वॉट इज़ अल्टरनेटर तो अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव करेंट दैट इज ईसी करंट नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल पे आते हैं तो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे अल्टरनेटर काम करता है जो कहता है करंट किसी भी कंडक्टर में तब इंड्यूस होता है जब एक रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ये एक पर्टिकुलर और इम्पॉर्टेंट केस है रिलेटिव मोशन अगर रिलेटिव मोशन ना रहे कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में तो वहाँ पे करंट जनरेट नहीं होगा आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट है वॉट इज़ पावर प्लांट सो पिछले साइड में हमने देखा अल्टरनेटर तो अल्टरनेटर का अल्टरनेटर या फिर जनरेटर्स कह सकते हैं उसका इस्तेमाल पावर प्लांट में ही होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो एज़ तो पर डेफिनेशन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी में आप ब्रेकट ब्रैकेट में देख सकते हैं हीट है वाटर है और विंड है तो हीट थर्मल पावर प्लांट से आप रिलेट कर लीजिए वाटर हाइड्रल पावर प्लांट जहाँ पे पानी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन नेक्स्ट विंड है लाइक विंड मिल्स लास्ट में आप देख सकते हैं एक एक्सेप्शन है दैट इज सोलर पावर प्लांट जहाँ पर फोटोवोल्ट सेल्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यहाँ पे कोई टर्बाइंस या फिर कोई हीट हीट एक्सचेंज वैसा कुछ नहीं है तो एक एक्सेप्शन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को नेक्स्ट कितने टाइप के पावर प्लांट हैं उसका इमेज देख लेते हैं राइट साइड टॉप में थर्मल पावर प्लांट का इमेज है उसके बगल में विंड टर्बाइंस नीचे हाइड्रोल पावर प्लांट और लास्टली सोलर पावर प्लांट राइट साइड बॉटम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर सिंस पावर जनरेशन हो गया है तो उसे स्टेप अप करके हमें ट्रांसफर किया जाता है दूसरे लोकेशन पे तो इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आंसर सिंपल है ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी एसी फॉर्म में डीसी में नहीं फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट यहाँ पर अनदर सर्किट सिंगल सर्किट हो सकता है या फिर टू सर्किट्स हो सकता है तो यहाँ इसलिए मेंशन किया हुआ है फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग सर्किट टू वन और मोर अदर सर्किट्स सो जो वोल्टेज एक्सचेंज होगा बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो या तो स्टेप अप हो सकता है या स्टेप डाउन हो सकता है एज़ पर एप्लीकेशन वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का काफ़ी सिंपल है और ये वर्क करता है ऑन फ्राडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिटेल आप देख सकते हैं स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइंस क्या होते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन सेट ऑफ वायर्स होते हैं कंडक्टर्स जो कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग प्लांट से लेकर सब स्टेशन तक और फाइनली सब स्टेशन से वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स तो ये इसका इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन ओनली ए सी पावर को ही डिलीवर नहीं करता है वन प्लेस टू अनदर ये डी सी पावर को भी डिलीवर करता है एज पर द एप्लीकेशन ए सी पावर को डी सी में कन्वर्ट किया जाता है उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से वो जनरेटिंग प्लांट से लेकर जो दूसरे सबस्टेशन है वहाँ तक डिलीवर किया जाता है तो इसका पावर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है लाइक टू थर्टी किलो वोल्ट से लेकर टू थर्टी वोल्ट तक भी होता है जो हमारे घर में आ रहे हैं नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर क्या होता है तो जो पहला वीडियो था इस सीरीज़ का उसमें हमने इंसुलेटर पे बात किया था और एज पर डेफिनेशन कोई भी ऐसा सामान जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो सके इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके उसे इंसुलेटर कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्टेक्ट में अगर बात करें तो इंसुलेटर एक ऐसा एलिमेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम का जो कि प्रोवाइड करता है प्रॉपर इंसुलेशन बिटवीन लाइफ कंडक्टर्स और सपोर्ट तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर का लाइफ कंडक्टर है और जो सपोर्ट है लेफ्ट साइड में वो मेटालिक होता है तो उन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन होना बहुत ज़रूरी है जो काम हमारा इंसुलेटर कर रहा है दैट इज़ ब्राउन इन कलर विदाउट इंसुलेटर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन सिस्टम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं एंड इंसुलेटर के हेल्प से जो लीकेज करंट है बिटवीन कंडक्टर टू अर्थ वो बहुत हद तक प्रिवेंट किया जाता है आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलेटर कुछ आज टाइप के इंसुलेटर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पे काम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा हाई टेंशन पे कुछ नॉर्मल टेंशन पे काम करते हैं कुछ हाउस होल्ड जो हमारे पोल्स होते हैं उसके पास भी आप देख पा रहे होंगे सो so, पहला है ग्लास टाइप इंसुलेटर सेकेंड इज़ डिस्क नेक्स्ट पोस्ट उसके बगल में पिन टाइप बहुत कॉमन है नेक्स्ट साइकिल ये भी बहुत कॉमन है आपको ईजीली दिख जाएगा स्ट्रेन टाइप उसके बाद स्ट्रेन इंसुलेटर ये भी आपको हाउस होल्ड के पोल्स में जो हैं वो दिख जाएंगे और लास्टली सस्पेंसन इंसुलेटर है जो कि बहुत जो हाई टेंशन के ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड है ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे तो ट्रांसमिशन सिस नेटवर्क का डेफिनेशन है एक ऐसा नेटवर्क जो हाई वोल्टेज को ट्रांसफ़र करता है हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह और ट्रांसमिशन नेटवर्क कंसिस्ट करता है ट्रांसमिशन लाइन्स का सब स्टेशन का और स्विचिंग सब स्टेशन तो इसकी वोल्टेज जनरली ग्रेटर देन थर्टी थ्री के वी या फिर इलेवन के वी रहता है उसके सेकेंड पार्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली ऐसा पावर सिस्टम है जो कि लो लेवल का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर का वोल्टेज हम लोग कंसिडर करें टू थर्टी वोल्ट तो वो लो लेवल वोल्टेज में आएगा इवन फोर थर्टी को भी आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काउंट कर सकते हैं तो ये मेजर डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क में ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप समझ सकते हैं स्लाइड में स्टार्टिंग से जहाँ से वोल्टेज पावर जनरेट हो रहा है टिल जो आपको राइट right साइड नीचे में हाई वोल्टेज का फैक्ट्री जैसा कुछ दिख रहा है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर आएगा और जो लास्टली लो वोल्टेज का घर जैसा आपको इमेज दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आएगा तो वोल्टेज बेसिकली इसको सेपरेट करता है कौन सा ट्रांसमिशन लाइंस कहलाएगा ट्रांसमिशन नेटवर्क कहलाएगा और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लास्टली हमारे अगले स्लाइड पे आते हैं जो कि है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक मोटर तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और उसका प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है अगर किसी भी एक कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा तो ये सिंपल से प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक का, मोटर काम करता है तो so, इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग